सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज मैं इस कविता पाठ में आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का मेरा विषय है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे इस देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। उनके जीवन को और उनकी जीवनी पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास मैं कर रहा हूं, सुनिएगा। सिपाही बनकर बापू का फिरंगी राज हटाया, सिपाही बनकर बापू का फिरंगी राज हटाया, एक मत करके हिंदुस्तान को बेटे का फर्ज निभाया, एक मत करके हिंदुस्तान को बेटे का फर्ज निभाया। तू भारत की शान है, वल्लभ नाम है तेरा, तू भारत की शान है, वल्लभ नाम है तेरा, तू है लौह पुरुष तुझको प्रणाम है मेरा, तू है लौह पुरुष तुझको प्रणाम है मेरा। अंग्रेजों की गुलामी में हिंदुस्तान जकड़ा था, अंग्रेजों की गुलामी में हिंदुस्तान जकड़ा था, आजादी की मसाल को शहीदों ने पकड़ा था, आजादी की मसाल को शहीदों ने पकड़ा था, भगत सिंह जैसे लाखों वीर शहीद हुए, भगत सिंह जैसे लाखों वीर शहीद हुए, मगर बिना वल्लभ के हम काम आसान नहीं होता, बिना वल्लभ के हम काम आसान नहीं होता। दोस्तों, हमारे देश की महिलाओं को भी आजादी दिलाने में, उनको उनका अधिकार दिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। सुनिए। महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, अगर धरती पर पैदा कोई सरदार नहीं होता, अगर धरती पर पैदा कोई सरदार नहीं होता। मनुवाद की गुलामी में फिर घूंघट में वो रोती, मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में वो रोती, आज फिर सर उठाकर चलना आसान नहीं होता, आज फिर सर उठाकर चलना आसान नहीं होता। दोस्तों, आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि महिलाओं को पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। सुनिए क्या कहता हूं। पाठशाला का सूरत देखना नसीब में न था, पाठशाला का सूरत देखना नसीब में न था, किताबों का अध्ययन करना तकदीर में न था, किताबों का अध्ययन करना तकदीर में न था, कि वल्लभ ने तुम्हारे पैरों के बेड़ियों को तोड़ा था, कि वल्लभ ने तुम्हारे पैरों के बेड़ियों को तोड़ा था, वरना आज ये कलम चलाना तुमको आसान नहीं होता, आज ये कलम चलाना तुमको आसान नहीं होता। दोस्तों, जब हमारा हिंदुस्तान आजादी के बाद भी कई अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, उन टुकड़ों को एक करके हमारे इस बिखरे हिंदुस्तान को संगठित करके, एक मत करके एक नया स्वरूप प्रदान किए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सुनिए क्या कहते हैं। जंजीरे भारत माँ की तोड़ आजाद किया था, जंजीरे भारत माँ की
तोड़ आजाद किया था, जोड़ के बिखरे खंडों को वतन का निर्माण किया था, जोड़ के बिखरे खंडों को वतन का निर्माण किया था। ज्ञान का पाठ दिया वल्लभ ने भारत के जन जन को, ज्ञान का पाठ दिया वल्लभ ने भारत के जन जन को, दूध का कर्ज भारत माँ की वल्लभ ने चुकाया था, कि दूध का कर्ज भारत माँ का वल्लभ ने चुकाया था। दोस्तों जब बारी आती है हमारे उस तिरंगे की, हमारे उस आन बान शान की, तब क्या कहता हूं सुनिएगा, कि ना झुकने दिया उसने हिंदुस्तान का तिरंगा, कि ना झुकने दिया उसने हिंदुस्तान का तिरंगा, कि भुजा एक हुई घायल दूसरी ने संभाल लिया, कि भुजा एक हुई घायल दूसरी ने संभाल लिया, कि जब दुल्हन आजादी की आई रंग लाई कुर्बानी, कि जब दुल्हन आजादी की आई रंग लाई कुर्बानी, लाल किला पे लहराया हिंदुस्तान का तिरंगा, लाल किला पे लहराया हिंदुस्तान का तिरंगा। दोस्तों इस कविता पाठ का अंत सुप्रसिद्ध कवित्री कविता तिवारी जी के कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगा। किसी को सुबह दिया उसने, किसी को शाम दे दी है, किसी को सुबह दिया उसने, किसी को शाम दे दी है, कि दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ तो काम दे दी है, कि दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ काम दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग मेरे इस कविता को सुने इसके लिए, हृदय से मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, हृदय से बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।